नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग गेम में आपका स्वागत है एक बार फिर से। प्यारी सी अपडेट के साथ नर्सिंग गेम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान में यूट्यूब बेसिस पे कुल 5500 पदों पे भर्ती होने वाली है और हर जिले वाइज में नर्सिंग ऑफिसर, NM, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और चिकित्सा अधिकारी के विभिन्न टाइप के पद हैं वो शामिल किए गए हैं और हर जिले वाइज ये भर्ती होने वाली है राजस्थान में, और अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लिया जा रहा है और हर ज़िले में भर्ती निकल चुकी है और काफ़ी ज़िलों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो आज एक और नई अपडेट लेके आए हैं, ये है जो दौसा ज़िले में सबसे पहले दौसा ज़िले की नर्सिंग ऑफिसर, NM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और चिकित्सा अधिकारी की भर्ती निकली थी और डीवी लिस्ट निकली थी, उसी के संबंध में ये वीडियो ले बनाया है और नई अपडेट लेके आए हैं। फार्मासिस्ट, चिकित्सा अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, महिला कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर, तो कुल नर्सिंग ऑफिसर की 130 पद शामिल किए गए थे और NM के 35 पद और LT के 10 पद शामिल किए गए। लैब टेक्नीशियन के 10 पद शामिल थे, फार्मासिस्ट के 11 और चिकित्सा अधिकारी दंत के इसमें 3 पद शामिल किए गए थे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और हमने नर्सिंग एम से टेलीग्राम से न रखा है तो वो जो जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी PDF है वो हम उस पर डालते रहते हैं और जो NM बहने हैं उनको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी लिस्ट है वो अब जल्दी ही जारी होने वाली है और उनका इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, वीडियो स्किप ना करें। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, राजस्थान सरकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की भर्ती थी यूटी बेसिस पे और 130 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती शामिल की गई थी। तो 8/9/2023 कार्यालय आदेश, राज्य राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक जयपुर व निदेशालय जयपुर के पृथक मांग UTP क्रमांक की हैं कि पालम स्पेसिफिक पदों की अधिकतम सीमा तक के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2023 31/3/2024 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध जो भी पहले हो तक निर्धारित स्वीकृति दर पर आवश्यक अस्थायी आधार पर यूटी बेसिस पर कार्मिक जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन किया जाना था। तो 31/3/2024 तक आपको इसमें लिया जाएगा। यूटी बेसिस पे बात करें तो इसमें जो MO की पोस्ट थी मेडिकल ऑफिसर की, वो इंटरव्यू बेसिस पे वॉक इन इंटरव्यू था। तो जो चिकित्सा अधिकारी दंत चिकित्सा, इसमें 3 पोस्ट शामिल की थी और 11/9/2023 को इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फार्मासिस्ट की इसमें 11 पोस्ट शामिल की गई थी और 11/9 को फार्मासिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू है। लैब टेक्नीशियन LT का भी 11/9/2023 को है और 10-10 पोस्ट शामिल की गई थी और NM की इसमें 35 पोस्ट शामिल की थी और 12/9/2023 को आपका इंटरव्यू होने वाला है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है जो भी हो। और नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो इसमें आपको अल्फाबेटिक के अनुसार प्रथम अक्षर अनुसार जाना है, तो ए से जो जी तक जिनका अल्फाबेट में नाम है उनको 14/9/2023 को जाना है, जिनका नाम अच से एम के बीच में उनको 15/9/2023 को जाना है, जिनका नाम एन से आर के बीच में उनको 18/9/2023 को जाना है, जिनका नाम S2Z से हो उनको 20/9/2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। उक्त पदों हेतु आवेदित अभ्यर्थियों में से दौसा जिले के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची, तो ये वेबसाइट है पर प्रदर्शित की जा रही है, के अनुसार अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक दस्तावेज सत्यापन या वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपनी योग्यता संबंधी दस्तावेजों का आवश्यक मूल व स्वयं प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। तो इसमें आपको सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट या वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है।
और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं, और उन सब की एक एक फ़ोटो कॉपी करवाने लेनी है। तो नर्सिंग एम्स से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल है, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर सुभाष बिलोनिया, चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी दोसा। तो ये अपडेट थी दोस्तों, तो इसमें सभी को बुलाया जिन्होंने यूट्यूब बेसिस पे दोसा का फार्म भरा था नर्सिंग ऑफिसर का, उन सभी को अल्फ़ाबेट के अनुसार बुलाया गया है। तो 130 यूट्यूब बेसिस पे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती थी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्सिंग से जुड़ी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए नर्सिंग एम्स तत्पर है। तो ऐसी स्वास्थ्य नई अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।